ग्राम वाणी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि मोबाइल वाणी का उपयोग कर किसी भी समस्या का समाधान कैसे करें। मोबाइल वाणी IVR सेवा का उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से इन नंबरों का उपयोग करें। किसी भी चल रहे कार्यक्रम या संदेश पर रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन में 2 नंबर का बटन दबाएं और अपनी नई बात रिकॉर्ड करने के लिए 3 नंबर का बटन दबाएं। किसी भी चल रहे कार्यक्रम या संदेश पर कमेंट, पसंद या किसी भी व्यक्ति को भेजने के लिए अपने फोन में दबाएं नंबर 5। बाद में आप अपने पसंद किए गए आइटम को अपने फोन में 6 नंबर दबाकर दोबारा सुन सकते हैं। किसी भी समय अगले कार्यक्रम या संदेश को सुनने के लिए दबाइए नंबर 1 और पिछले संदेश या कार्यक्रम को सुनने के लिए दबाइए नंबर 4। किसी भी समय अगले चैनल पर जाकर कार्यक्रम या संदेश सुनने के लिए दबाएं नंबर 0 और पिछले चैनल का कार्यक्रम या संदेश सुनने के लिए अपने फोन में दबाएं स्टार का बटन। मोबाइल वाणी के सर्वेक्षण में भाग लेने या मोबाइल वाणी के किसी भी दूसरे IVR सेवा पर जाने के लिए अपने फोन में दबाएं नंबर 9 का बटन। अगर आप स्मार्टफोन उपयोग करता है तो कोरोना और अन्य सारे विषयों पर बेहतर जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल वाणी ऐप डाउनलोड करें। सर्वेक्षण में जोखिम के मामलों पर रिपोर्ट किए गए पर प्रतिक्रिया। सर्वेक्षण में साझा किए गए उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं से ग्राम वाणी टीम द्वारा संपर्क करना और उन्हें सत्यापित करना। अपनी देखरेख के लिए सर्वेक्षण उपयोगकर्ताओं से उनके स्वास्थ्य और यात्रा की स्थिति को समझने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम वाणी की टीम इसे उच्च या कम जोखिम वाले मामलों के रूप में पहचानती है। उच्च जोखिम वाले मामले आपके साथ वास्तविक समय के आधार पर साझा किए जाएंगे, जहां आप उस मामले का सत्यापन करेंगे और उसे लगातार अपडेट करेंगे। अगर यह मुद्दा आपके कार्यक्षेत्र के तहत स्थानीय स्तर पर हल करने योग्य है, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन, भोजन, राशन या वित्तीय आवश्यकताओं के साथ साथ तत्काल सहायता, तो उसे आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श जरूर दें। समस्या के हल हो जाने के बाद संबंधित चैनल पर उसकी स्थिति जरूर से अपडेट करें, और अगर यह हल नहीं किया जा सकता है तो इस मुद्दे को वापस ग्राम वाणी में उठाएं। संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायतों को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया। उपयोगकर्ता से संपर्क करना और समस्या को सत्यापित करना। समस्या का सत्यापन होने के बाद उसे संबंधित पंचायत मुखिया या प्रधान, स्थानीय अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ साझा करना। यदि यह पंचायत स्तर पर संबोधित नहीं किया जा सकता है तो इस मुद्दे को खंड विकास अधिकारी या BDO या ब्लॉक स्तर के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करना। यदि ब्लॉक स्तर पर हल नहीं किया जाता है तो इसे जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, उपायुक्त या संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करना। यदि यह जिला स्तर पर हल नहीं किया जाता है तो इसे राज्य के संबंधित विभाग या मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को भेज देना। संबंधित अधिकारियों, संगठनों की रजिस्टर का रखरखाव। किसी भी समस्या या शिकायत को उठाने और उसके निवारण के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको संबंधित अधिकारियों की संपर्क रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता है। आप मुखिया, प्रधान, सरकारी वेबसाइट, ब्लॉक के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अपने परिचितों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही
समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक के सही प्लेटफॉर्मों से भी जुड़ा जा सकता है। मोबाइल वाणी उपयोगकर्ता की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक कैसे आगे भेजें? शिकायतों की पुष्टि करने के बाद उसकी समीक्षा और कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासनिक इकाई यानी कि पंचायत को SMS, स्वचालित कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आगे भेजें। साथ ही इसे संबंधित अधिकारियों और स्थानीय संगठनों को भी भेजें। शिकायत के निवारण के लिए सही तरीका अपनाएं। स्थानीय इकाई से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला स्तर तक समस्या के हल होने के बाद उसके हल होने के तरीके को भी साझा करें, जिससे राज्य की जवाबदेही मजबूत हो सके। समस्या का समाधान, खाद्य और राशन। पहले लाभार्थियों से बात करना। शिकायतकर्ता के मूल रिकॉर्डिंग को राशन डीलर को फॉरवर्ड करना। यदि समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो मामला निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाया जाता है। ब्लॉक राशन वितरण निगरानी समिति, उसके बाद खाद आपूर्ति अधिकारी, उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट या DM। यदि जिला स्तर पर निराकरण नहीं हुआ तो सीधे मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को भेजना। समस्या हल होने के बाद लाभार्थियों से बात करें, समझे कि वे संतुष्ट हैं या नहीं और समस्या हल होने पर अपनी राय दर्ज करें। कार्रवाई के अगले चरण में उपयोगकर्ता द्वारा अपनी शिकायत उसके निवारण का विवरण रिकॉर्ड करें, जिससे दूसरे व्यक्ति अपने शिकायतों को बताने के लिए आगे आएंगे और सबका विश्वास बढ़ेगा। आइए इसी मुद्दे पर हमारे सामुदायिक संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट राशन के मुद्दे पर सुनिए। नमस्कार, मैं प्रिंस मुंगेर की आवाज के लिए जमालपुर से। वार्ड नंबर 31 के वार्ड वासियों को राशन डीलर द्वारा राशन से वंचित किए जाने की खबर मोबाइल वाणी में प्रकाशित की गई थी। वहीं वार्ड के पूर्व वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पार्षद सनम कुमार और बबलू पासवान ने जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात कही थी। वार्ड वासियों द्वारा लगातार उन्हें इस बातों से अवगत कराया जा रहा था कि हमारे वार्ड क्षेत्र में डीलर सतीश साहू द्वारा अनैतिक रूप से हमारा अंगूठा का निशान लिया जाता है, लेकिन हमें राशन पिछले 4 महीनों से नहीं दिया जाता है। हमारे साथ सनम कुमार और बबलू पासवान, जो वर्तमान में यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि भी हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। सर्वप्रथम तो मैं मोबाइल वाणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत बखूबी इस घोटालेबाज डीलर के खिलाफ समाचार को प्रकाशित किया। डीलर के द्वारा कल से ही जिनका जिनका अंगूठा का निशान लिया था उनको घर पर जा करके बुला रहा था कि चलिए आप राशन ले लीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदे से अब ऐसा गलती नहीं होगा। तो उन लोगों ने हमारे पास आया और हमको उसकी डीलर की सूचना दी। तो हमने ऐसी परिस्थिति में जब देश कोरोना वायरस से संक्रमित है, हमने अपने वार्ड वासियों को कहा कि तत्काल आप वहां से राशन लीजिए और हम अपने साथ उन लोगों को ले जा करके 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिलवाया। बजाबते इस राशन का डीलर ने पैसा भी लिया। अगले माह से इन लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। मोबाइल वाणी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। समस्या का समाधान, प्रवासी जो दूसरे राज्य में फंस गए। प्रवासियों से बात करना, उनकी समस्या को समझना और सत्यापित करना। राष्ट्रीय श्रम विभाग द्वारा संबंधित स्थानीय NGO, सामाजिक कार्यकर्ता या श्रम अधीक्षक से संपर्क करना। प्रवासियों के राशन और नगदी संबंधित समस्याओं के बारे में उन्हें तुरंत सूचित करना। यदि हल नहीं हुआ है तो इसे राज्य श्रम विभाग या मंत्रालयों को फॉरवर्ड करना। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। सभी के प्रयासों के माध्यम से कैसे समस्या का समाधान हुआ, इसका एक उदाहरण।
खबर का हुआ असर। जमुई के सोनो प्रखंड निवासी मुकेश यादव जी के द्वारा रिकॉर्ड कराया गया था कि वो मुंबई के करजहा में फंसे हुए हैं और उन्हें खाने पीने में समस्या हो रही है, जिस पर कार्य करते हुए मोबाइल वाणी ने उनकी शिकायत को मुंबई के हेल्पलाइन नंबर के साथ साझा किया गया था और उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की गई थी। साथ ही जमुई के श्रम अधीक्षक को भी इस शिकायत को साझा किया गया था। अब उन्हें राशन मिल गया है और उन्हें लाभ मिल रहा है। इसके लिए मुकेश यादव जी द्वारा जमुई मोबाइल वाणी को धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद मोबाइल वाणी के लिए। मैं दीपक। समस्या का समाधान, नगद हस्तांतरण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए। प्रवासियों से बात करना, उनकी समस्या को समझना और सत्यापित करना। यदि वह प्रवासी श्रमिक है तो उसे राज्यों के हेल्पलाइन ऐप जैसे बिहार के लिए आपदा ऐप और झारखंड के लिए कोरोना सहायता ऐप के साथ पंजीकरण करने की सलाह देना या श्रम विभाग द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना। इसके अलावा राष्ट्रीय श्रम विभाग द्वारा जारी सूची से क्षेत्रीय श्रम अधीक्षक से बात करने की सलाह देना। यदि हल नहीं हुआ है तो इसे राज्य श्रम विभाग या मंत्रालयों को फॉरवर्ड करना। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, पीएम जनधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से नगद हस्तांतरण और बैंक लेन देन। सबसे पहले लाभार्थियों से बात करना, उनके मुद्दों के बारे में जानना, जैसे कि केवाईसी का सत्यापन, लगातार लेन देन नहीं होने के कारण बैंक खाता निष्क्रिय होना। यदि यह दस्तावेजों से संबंधित मुद्दा है तो उसके सभी आवश्यक दस्तावेज को ग्राम सचिव या सहज सेवा केंद्र CSC को देना, जो इसे ऑनलाइन जमा करेगा। उसके बाद उपयोगकर्ता को सूचित करना कि वो ई लाभार्थी ऐप या सरकारी वेबसाइट पर अपनी स्थिति की जांच करे। उसके शिकायत को बैंक के ग्राहक सेवा बिंदु या शाखा प्रबंधक को फॉरवर्ड करना। यदि समस्या वहां हल नहीं होती है तो उसकी समस्या को निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाना, पहले BDO, उसके बाद DM, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ केंद्र। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, LPG या उज्ज्वला योजना। सबसे पहले लाभार्थियों से बात करना, उनके मुद्दों के बारे में जानना, जैसे कि LPG की अधिक कीमत होना या LPG का उपलब्ध नहीं होना। शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए गैस एजेंसी के मालिक और मुखिया या प्रधान को सूचित करना। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उसकी समस्या को निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाना, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी और BDO, उसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारी, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग या राज्य के मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ केंद्र। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, खेती। सबसे पहले लाभार्थियों से बात करना, उनके मुद्दों के बारे में जानना, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, बीज की उपलब्धता, अनाज की खरीद,
फसल का भुगतान, उर्वरक की कालाबाजारी, सिंचाई के लिए डीजल अनुदान, फसल बीमा आदि से संबंधित समस्या। शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए मुखिया या प्रधान को सूचित करना। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उसकी समस्या को निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाना। कृषि सलाहकार या कृषि समन्वयकों को फॉरवर्ड करना, उसके बाद ब्लॉक कृषि कार्यालय, उसके बाद BDO, उसके बाद जिला कृषि कार्यालय। यदि उसके बाद भी हल ना हो तो कृषि विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करना या इसे निम्नलिखित क्रम में आगे फॉरवर्ड करना। पहले DM, उसके बाद राज्य कृषि विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ केंद्र। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, मनरेगा। सबसे पहले लाभार्थियों से बात करना, उनके मुद्दों के बारे में जानना, जैसे कि जॉब कार्ड संबंधी समस्याएं, काम नहीं मिलना, भुगतान की समस्या, रोजगार योजनाएं शुरू नहीं होना आदि। शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए मुखिया या प्रधान या रोजगार सेवक को सूचित करना। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उसकी समस्या को ब्लॉक श्रम कार्यालय और BDO को भेजना, साथ ही निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाना। सबसे पहले जिला श्रम कार्यालय, उसके बाद DM, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, CHC स्वास्थ्य सुविधा। सबसे पहले लाभार्थियों से बात करना, उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जानना। शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र जैसे PHC और CHC जो ब्लॉक में हैं, उन्हें शिकायत को फॉरवर्ड करना। यदि समस्या हल नहीं होती है तो इसे सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके बाद DM, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री शिकायत सेल के पास भेजना। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, CHC क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र। क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र पर रह रहे लोगों से बात करना और वहां पर आ रही समस्याओं को जानना। उनकी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को फॉरवर्ड करना या खाने और राशन संबंधी शिकायतों के लिए तत्काल निवारण के लिए संबंधित अधिकारी और पंचायत के मुखिया या प्रधान को सूचित करना। यदि समस्या हल नहीं होती है तो BDO, उसके बाद सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, उसके बाद DM, उसके बाद राज्य सामाजिक सुरक्षा विभाग या राज्य के मुख्यमंत्री शिकायत सेल के पास भेजना। यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से बात करना और ये समझना कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को बताने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। समस्या का समाधान, कामगारों के अधिकार, वेतन, मजदूरी
अवकाश, भविष्य निधि या कोई अन्य लाभ। साझा मंच आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां साझा मंच के मिस्ड कॉल नंबर 9211153555 पर कॉल करके और फिर कॉल प्राप्त होने पर अपने मोबाइल में नंबर 3 का बटन दबाकर कामगारों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने में साझा मंच के साथ साथ हमारे वॉलंटियर और सहयोगी संस्था उनकी मदद करते हैं। साथ ही कामगारों के आवाज को इंटरव्यू के रूप में रिकॉर्ड करके भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के कुछ दिनों के भीतर ही शिकायतकर्ता को साझा मंच की ओर से एक स्वचालित कॉल प्राप्त होता है जो उस शिकायत के बारे में एक सूचना देता है और साथ ही अन्य सभी श्रोताओं को सुनने और उससे लाभ लेने के लिए भी उस कार्यक्रम को प्रकाशित भी किया जाता है। हम अपने श्रोताओं, वॉलंटियर और सहयोगी संस्थाओं को इन सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि यदि आप किसी ऐसी चीज पर सवाल सुनते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं तो बस अपने मोबाइल में 3 नंबर का बटन दबाएं और अपनी राय रिकॉर्ड करें। साथ ही ये जरूर बताएं कि आप किस शिकायत का जवाब दे रहे हैं। कई कामगारों को मौखिक सलाह से ज्यादा की जरूरत होती है, तो क्या आप उन मामलों पर काम कर सकते हैं और कागजी दस्तावेज में मदद कर सकते हैं? साझा मंच आपको शिकायतकर्ता का नंबर उपलब्ध कराएगा। उन्हें कॉल करें और उस मुद्दे पर उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि क्या वे शिकायत करना चाहते हैं, क्या उनके पास शिकायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज हैं, क्या आप कामगारों के शिकायत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो या तो सीधे संबंधित प्राधिकरण जैसे कि नियुक्ता, श्रम कार्यालय, पीएफ कार्यालय आदि से संपर्क कर सकते हैं, या आप उन कामगारों को एक वकील, एनजीओ या यूनियन के पास भी भेज सकते हैं। किसी भी केस को बहुत ही फॉलो अप करने की जरूरत होती है। क्या आप कामगारों की समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहते हैं? साथ ही यदि शिकायत का समाधान हो जाता है तो लाभार्थियों से आप बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि वे संतुष्ट हैं या नहीं, जो दूसरों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने में मदद करेगा और अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा। कुछ और अन्य इम्पैक्ट स्टोरी या समस्या का समाधान की कहानियाँ जो हमें विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त हुई हैं।